नमस्कार, गुड आफ्टरनून। जन सरोकार मंच पर आप सभी का स्वागत है। आज जन सरोकार मंच पे हमारे साथ जुड़ रही हैं अनीता जांगिड मैम। मैम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दाखिया में पोस्टेड हैं। ये हिंदी साहित्य की लेक्चरर हैं। तो आज जन सरोकार मंच पे अनीता जांगिड मैम हमें हमारी कविताएं सुनाएंगी। आप सबके साथ जुड़ी हैं मैम। नमस्ते, धन्यवाद निकिता मुझे ये अवसर देने के लिए। मैम, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगी आपके लेखन को लेकर। आप बताएंगे आप कितने टाइम से लिख रही हैं? देखो, थोड़ा बहुत लिखने का शौक तो बचपन से ही रहा है। इधर उधर कागजों पर लिख के जाने का हो जाता था, लेकिन फिर हिंदी की व्याख्याता बनने के बाद मेरी कविताओं में रुचि जागृत हुई और मुझे भी लगा कि जो भी मैं लिखती हूँ उसे मुझे सुरक्षित रखना चाहिए। तो तब से थोड़ा बहुत नियमित लेखन का मैं अभ्यास कर रही हूँ और कुछ एक कविताएं हैं जो मैं काव्य पाठ के तौर पे पाठ करती हूँ। मैम, एक और सवाल, आपको लिखने की प्रेरणा किससे मिली, कहाँ से मिली? लिखने की प्रेरणा कोई इंसान जिससे आपको प्रेरणा मिली हो? मुझे क्या है, बचपन से किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, तो उनमें जो कविताएं होती थी या जो रचनाएं होती थी, गद्य पद्य दोनों ही मुझे पसंद है, तो उन कविताओं को पढ़कर ही मेरी रुचि जागृत हुई। तो मैं तो कहूंगी कि हमारे हिंदी साहित्य के जो भी कवि हैं वही मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। ठीक है, तो आज आपके सामने मैम की रचनाएं मैम आपको सुनाएंगी। नमस्कार सभी को, मैं अनीता कुमारी, आज मैं आपके सामने अपनी 5 कविताएं लेके आई हूँ। अगर आपको अच्छी लगी तो अवश्य प्रतिक्रिया दीजिएगा। मेरी पहली कविता का शीर्षक है ये लड़के। एक लड़की के बगल से गुजरने पर, एक लड़की के बगल से गुजरने पर ये लड़के जो दिखलाते हैं कलाबाजियां, एक लड़की के बगल से गुजरने पर ये लड़के जो दिखलाते हैं कलाबाजियां, यूं लहराते हैं अपनी बाइक, महंगी स्टाइलिश बाइक, धुआं उड़ाते मेरी बगल से जब गुजरना चाहती है ये लड़के, गुजरने नहीं देते उसे सलीके से। दिखाया जाता है तब ड्राइविंग का हर हुनर, बताया जाता है कि देखो तुमको भी क्या ये स्टंट आता है, चलाती हो तुम जो 40-50 की स्पीड से, इसमें तुमको क्या मजा आता है। तब चलती रहती है ये मेरे आगे पीछे दाएं बाएं उतनी स्पीड से कि चल सके मेरी एक्टिवा इनके बराबर, कहीं मैं आगे ना निकल जाऊं या पीछे ना रह जाऊं, गजब का संतुलन तब स्पीड का बनाते हैं ये लड़के। कभी कभी तो चलता है ये सिलसिला कई किलोमीटर तक, और कभी कभी ये देखा जाता है कि मैं कहाँ तक जाती हूँ, जानते जबकि अच्छे से ये लड़के कि गुरु हूँ और कहीं पढ़ाती हूँ, पर इससे उनको रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता, पर इससे उनको रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी नजरों को मैं सिर्फ एक महिला नजर आती हूँ। हाँ नहीं आता मुझे, हाँ नहीं आता मुझे तुम्हारे सरीखे चलती बाइक पर यो सैकड़ों करतब दिखाना, पर तुमको भी कहाँ आता है यो घूरती नजरों के बीच से निकल जाने का हुनर, सलीके से किसी के अस्तित्व को स्वीकारने का हुनर, कहाँ संभाल पाते हो तुम भी बाइक चलाते सर पे पल्लू, अपने आंचल को यो सुरक्षित समेट कर चलना ए लड़के तुमको भी कहाँ आता है। दूसरी कविता है मेरी अनचाही बेटियां। चाह में बेटे की पहले पहल जब हो जाती है अनचाही बेटियां, अनचाही 1-2-3, तब घर के चिराग के आ जाने पर बेटियों को मिलता है दोयम दर्जा, परिवार में होकर भी अस्तित्व नकारा जाता है, नाम देकर भी तुच्छ नामों से पुकारा जाता है, माँ को भी तब खूब अवकाश मिल जाता है अपने कलेजे के टुकड़े को लाड लड़ाने का, खूब दुआएं दे देकर उसकी उम्र बढ़ाने का खूब मिल जाता है अवकाश, क्योंकि बहु बेटी के लक्षण सिखाने के बहाने, छोटा मोटा हाथ बटाने के बहाने, घर का घर रख दिया जाता है नन्हे कंधों और छोटे हाथों में, पर इन सबसे अनजान वो बेटियां घर का सॉरी
निकाल ही लेती है जीने खुश रहने की गुंजाइश, पर इन सबसे अनजान वो बेटियां निकाल ही लेती है जीने और खुश रहने की गुंजाइश। सीख लेती है एक बेहतरीन मैनेजमेंट, गृहस्थी संग संग कुछ पल गुड़ियों के खेल के रख लेती है बचाकर, नन्हे भाई को भरपूर लाड़ लड़ाकर, नन्हे भाई को भरपूर लाड़ लड़ाकर, माँ के थककर सो जाने पर, माँ के थककर सो जाने पर, नन्हे हाथों से बापू को चाय पिलाकर, वो भी डूब जाती है नींद के आगोश में, तड़के जल्दी उठ जाने को, शायद माँ का प्यार पाने को, या मार से बच जाने को, जाने। मैम की लड़कियों और बेटियों पर बहुत ही अच्छी रचनाएं मैंने सुनी है, आशा करती हूँ आपको भी बहुत पसंद आई होगी। मैम ने जो आजकल हो रहा है बेटे की चाह में बेटियां ज्यादा हो जाती है, दो बेटी तीन बेटी, बहुत अच्छे से मैम ने उसको एक्सप्लेन करा है इसमें। अब मैम की अगली रचना आप सुनेंगे। अगली रचना है तुम हो, तुम हो, हाँ तुम हो, पर तुम होकर भी नहीं हो। हाँ मेरे दिल में, मेरी रूह में, मेरे अंग अंग नस नस में तुम हो, हाँ तुम ही हो। तुम हर वक्त मेरे आस पास, सांसों में सांस यूं डाले हाथों में हाथ, तुम हो। दिल नजर धड़कन में तुम हो, करीब हो इतने कि कभी कभी महसूस भी हो जाते हो। दिखाई देते हो प्रत्यक्ष, पर जब भी छूने की तुम्हें पाने की कोशिश करती हूँ तो उड़ जाते हो आप पुष्प की माने, निकल जाते हो करीब से ओझल मेरे नेत्रों से, कुआर के बादल के सदृश यूं प्यासा छोड़ जाते हो। तब खाली जैसे तेज हवाओं में मुश्किल से पकड़ा छोर छूट जाता है, वैसे ही तुम भी मुझे इस अंतर्द्वंद में तन्हा छोड़ जाते हो। तुम हो, तुम हो, हाँ तुम हो, पर तुम मेरे क्यों नहीं। अब मैंने आपको थोड़ा इमोशनल कर दिया होगा अपनी कविताओं से, तो मैं आपको अगली जो कविता है मेरी जले भुने लोग, वो एक बैंक कविता है, सुनिएगा। जिंदगी की राहों में मिलते हैं कई खुले खुले लोग, मिलकर यूं हो जाते हैं वो भूले भूले लोग। जिंदगी की इसी मस्त सी मस्ती में, अपनी या पराई हस्ती में, कभी आपको भी तो मिले होंगे जले भुने लोग। पीछे से हर बात पे आपकी ये नाक भो चढ़ाएंगे, पीछे से हर बात पे आपकी ये नाक भो चढ़ाएंगे, कभी सलाह जो मांग लो तो गलत राह ही बताएंगे। ऊपर से मुरीद आपके, पर अंदर से ये बुरा ही चाहेंगे, होते हैं भाई होते हैं ऐसे भी तले भुने लोग। आडंबर करेंगे महानता का, आडंबर करेंगे महानता का, दिखाएंगे विचार समानता का, पर चाहिए इनको समानता सिर्फ अधिकार की, पर चाहिए इनको समानता सिर्फ अधिकार की, कर्तव्य की बात पर ओढ़ लेंगे आवरण अज्ञान का। अपनी कमियां कभी नहीं स्वीकारेंगे, जो कहे कोई तो अरे तू जानता क्या, हर सिस्टम में मिल ही जाते हैं ऐसे गिने चुने लोग। उनके कम बोलने से तुम ये मत समझ लेना कि अपनी मस्ती में रहते हैं, किसी से न कुछ इनको लेना देना। तुम पास में इनको फटकने देना, राज कोई उगल न देना, 10 हाथ की दूरी रख के बनाए रखना अनसुने लोग। जिंदगी की राहों में मिलते हैं कई खुले खुले लोग, सूरत पे नकाब ये ओढ़े रखते हैं मासूमियत का, सूरत पे नकाब ये ओढ़े रखते हैं मासूमियत का, ढोंग होठों पे एक सहज मुस्कान और आंखों में नमियत का। उदारता तो एक बहाना है, वैसे दूर दूर तक नाम नहीं इनमें आदमियत का, हर जगह हर कदम होते हैं कुछ चुने चुने लोग। दूसरों को ज्ञान बांटने का हुनर खूब होगा, पर बात जब खुद पे आए तो काम इनका मोल होगा। अपना काम भी दूसरों पर सरकाएंगे, राय देंगे पर खुद अमल में न लाएंगे। ऐसे में हाल पूछे इनसे कोई तो फिर क्यों
नए आनंद ही बताएंगे। कर्म ही जीवन का आधार है, फिर कैसे रह लेते हैं बिना हिले डुले लोग। सारी अपनी सोच को लेकर साथ सहज होश को, सारी अपनी सोच को लेकर साथ सहज होश को, फिर भी तुमको लगेंगे ये भले भले लोग। न ऊंटों का लेना न माथों का देना, टाइप के होते हैं ये नपे तुले लोग। जिंदगी की इसी मस्त सी मस्ती में कभी आपको भी तो मिले होंगे जले भुने लोग। बहुत ही अच्छी है अनीता मैडम की ये वाली कविता, आज के जमाने में बहुत ज्यादा सबके साथ रिलेट होती है। आप सभी की जिंदगी में भी मिलते ही होंगे आपको भी जले भुने लोग। और मेरी आज की अंतिम कविता है बेटी। चेहरे पर नूर और होठों पर मुस्कान लाती है बेटी, चेहरे पर नूर और होठों पे मुस्कान लाती है बेटी। जिस घर को पैदा वहां खुशियां बरसाती है बेटी, पिता का कंधा और माँ के हाथ होती है बेटी। कोई हो न हो पर हर दुख में साथ होती है बेटी, कंगन की खनक पायल की छनक से घर जीवंत बनाती है बेटी। दुख में दे संबल घर की उदासियां मिटाती है बेटी। चाह नहीं किसी दौलत की बस प्रेम ही चाहती है बेटी, छिपाकर अपने कष्टों को भी आनंद ही लुटाती है बेटी। कभी सखी माँ की तो कभी पिता का पुत्र बन जाती है बेटी, ऐसे निभाती वो रिश्ते फिर क्यों धन पराया कहलाती है बेटी। धन्यवाद। बेटियों पे भी मैम की बहुत अच्छी रचनाएं रही है। आज हमारे साथ ये बार मंच पर अपनी टिप्पणी लिखे और सारी कविताएं देखने के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें।